बांदा में अभिषेक राज गुप्ता और रिशु गुप्ता ने सरफुद्दीन नामक मरीज की खून देकर बचाई जान। हमारे देश में भले ही कुछ लोग धार्मिक उन्माद फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हों, लेकिन उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में सौहार्द हमेशा से बना चला आया है और जो आज भी कायम है। आपको बता दें कि शुक्रवार की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर बांदा के तिंदवारा निवासी सरफुद्दीन लोगों से मदद मांग रहा था, अपनी बीमारी के इलाज के लिए दवाई के लिए पैसे मांग रहा था। वहां मौजूद शाही जमा मस्जिद के मुतवल्ली डॉक्टर शेख सऊदुज्जमान ने जब उस मरीज की हालत देखी और उसके पर्चे चेक किए तो ब्लड रिपोर्ट के मुताबिक उसके शरीर में मात्र 3 पॉइंट ही खून था। डॉक्टर सऊदुज्जमान ने जब उसकी रिपोर्ट देखी तो उन्होंने तत्काल उसको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया और अपने 2 कर्मचारियों को उसकी देखरेख के लिए लगाया। आपको बता दें कि बांदा में डॉक्टर सऊदुज्जमान के संरक्षण में एक ब्लड डोनर ग्रुप चलता है। उस ग्रुप के अध्यक्ष सलमान खान को डॉक्टर सऊदुज्जमान ने फ़ोन किया और उससे तत्काल ब्लड की व्यवस्था करने के लिए कहा। इधर डॉक्टरों ने भी सरफुद्दीन को 4 बोतल खून चढ़ाने की सलाह दी थी। सलमान खान ने सेवर्स ऑफ लाइफ जो ब्लड डोनर ग्रुप बांदा में संचालित है उसके सदस्यों को फ़ोन किया, तब रिशु गुप्ता और अभिषेक राजगुप्ता जो इस डोनर ग्रुप के सदस्य थे दोनों लोग जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने सरफुद्दीन के लिए 2 बोतल खून का रक्तदान किया। उधर जिला अस्पताल के CMS SN मिश्रा ने जब इस सरफुद्दीन की गरीबी हालत देखी तो उन्होंने जिला अस्पताल में लगने वाले सारे यूजर चार्जेस सरफुद्दीन के लिए माफ़ कर दिए। इस तरह सभी के सहयोग से सरफुद्दीन का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। अब तक उसको 2 बोतल खून चढ़ चुका है। सेवर्स ऑफ लाइफ ब्लड डोनर ग्रुप के अभी कई सदस्य सरफुद्दीन को खून देने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक राजगुप्ता। अभिषेक जी, आज आपके द्वारा ब्लड डोनेट किया गया है, किसके लिए ब्लड डोनेट किया है आपने और क्या था पूरा मामला? ये जो है हमारे सेवर ऑफ लाइफ में ग्रुप है हमारा, उसमें जो है डिमांड आई हुई थी कि जो है सरफुद्दीन जी को ब्लड की ज़रूरत है, उसमें उनके 2.5 पॉइंट खून बचा था खाली, तो उसको देखते हुए मैंने मोबाइल में अपना ग्रुप से देखा है और मैं सलमान भाई को फ़ोन लगाया है कि भाई जो है आप पहुँचे, मैं आ रहा हूँ रक्तदान करने, और जिससे हमारी उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिससे उसकी लाइफ जो है सिक्योर हो चुके, उसके लिए हम रक्तदान करने आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिशु गुप्ता है। और जी, आज आपने एक व्यक्ति को ब्लड दिया, कौन ये व्यक्ति था और क्या मामला हुआ? एक्चुअल में क्या है, मैं सेवर्स ऑफ लाइफ का मेंबर हूँ, तो एक गरीब व्यक्ति था, सैफुद्दीन नाम था जिसका, उसको ब्लड की ज़रूरत थी तो उसकी उसी के लिए उसको मैंने ब्लड दिया हुआ था आज। गुप्ता जी, आज यहाँ पूरे देश में लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, कहीं अजान कहीं हनुमान चालीसा को लेकर के नफरत फैलाई जा रही है, वहीं आपने एक हिंदू समाज से आते हैं और आपने आज एक मुसलमान की जान बचाई है। ऐसे लोगों पर जो नफरत की राजनीति करते हैं, क्या आप संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, हिंदू मुस्लिम एक अलग वाक्य है और मदद करना कोई जाति या धर्म को देख करके नहीं की जाती है। मेरा ये मानना है कि हम लोग सब साथ में रहते हैं और साथ में रहने से ना हिंदू हो या मुस्लिम, अगर किसी को ज़रूरत है किसी भी चीज़ की तो हमें एक मानवता का धर्म दिखलाना चाहिए लोगों के सामने, जिससे क्या है कि समाज में एकता, और वैसे भी हम लोग सभी लोग साथ ही रहते हैं, या हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो मुस्लिम है तो हम नहीं करें या हिंदू है तो नहीं करें या कुछ किसी दूसरी जाति का है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर किसी को ज़रूरत है किसी भी चीज़ की या अगर वो उसके लिए नीडफुल है तो वो मैं करता हूँ, वो मुझे भी करना चाहिए और यह सभी लोगों को करना चाहिए, या यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम नहीं देखना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान खान है, मैं सेवर्स ऑफ लाइफ ब्लड डोनर नेटवर्क का अध्यक्ष हूँ। आज आपके संगठन के 2 लोगों के द्वारा ब्लड दिया गया, क्या मामला? आज जो है क्या बोलते हैं, एक शरीफुद्दीन नाम का व्यक्ति जो है हमारे संरक्षक डॉक्टर शेख सादिक जमा के पास दवाई के लिए पैसे मांगने आया, तो जिसमें हम लोगों ने उसकी रिपोर्टें देखी तो उसमें उसका ब्लड काफ़ी कम था। कल उसको जिला अस्पताल लाकर एडमिट करवाया और हमारे एक के डोनर्स जो है अभिषेक राज गुप्ता जी और ऋषि गुप्ता जी ने सैफुद्दीन के लिए रक्तदान करके उनकी जान बचाई। आपका संगठन इस तरह से किसको किसको खून देता है और ये कब से चल रहा है? हमारा संगठन 4 साल से चल रहा है। हम लोग हिंदू मुस्लिम वगैरह कुछ नहीं देखते हैं और लोग हर ज़रूरतमंद की जो भी ज़रूरतमंद की डिमांड हमारे तक आती है हम उसकी मदद करते हैं। अभी तक हम लोग 1,000 लोगों की जान बचा चुके हैं।